माशाल्लाह, तो रजी भाई साहब छोड़ गए आपको? हाँ जी, आप लोग गाड़ियों में सफर करने वाले बड़े लोग हैं, इस बाइक पे क्यों आएंगे? और सुनो, अगर इस बाइक पे आते हुए इतना ही डर लगता तो वहीं रह जाती। हाँ, वैसे भी अभी कुछ दिन मेरी यही रूटीन रहेगी। हाँ सही कह रहे हो, मैंने भी आंटी को यही कहा था, फिर उन्होंने कहा कि अपना घर वही होता है जहाँ शोहर होता है। तो बस आ गई मैं यहाँ। शिफा जी, मेरी अम्मी जो हैं बहुत ही शोहर परस्त टाइप की खातून हैं, तो आपको इसी किस्म के मशवरे देंगी, लेकिन आपने क्या करना है कि उनकी किसी भी बात पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। ओके से ओके ओके गुड गर्ल। शोहर का घर, घर तो ये भी मेरा नहीं है। तैयार हो जाओ, अम्मा की तरफ छोड़ दूं तुम्हें। शिफा जी, आपको नाश्ता करने में 15 मिनट लगेंगे या 50 मिनट? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपना नाश्ता खुद बना लूं और खा लूं। हाँ, मुझे तो 10 मिनट लगेंगे, तुम नाश्ता बना लो। तकी, तुम्हारी वापसी कब तक है? क्यों? नहीं मैं पूछ रही हूँ ताकि मैं रजी भाई को पहले ही कॉल कर लूं और उन्हें बोल दूं कि मुझे वापसी में ड्रॉप कर दें। हमारे साथ बाइक के एक चक्कर में मेरी जान निकल जाती है, वो ही काफी है। नौकरी देखो इसके, जैसे बड़ी कोई शहजादी हो, मेरी बाइक के बारे में कुछ कह दिया, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे 7 बज जाएंगे आते आते, तो तुम भाभी को फोन कर दो ताकि वो रजी भाई को इन्फॉर्म कर दें। मेरे आई थिंक फोन बज रहा है मेरा। हाँ, मैं जरा फोन सुन के आता हूँ, ये देख लेना जरा, आ रहा हूँ। इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? छोटा सा काम था, मैं खुद कर लेता। कोई बात नहीं, वो प्लेट देना। एक सेकंड। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत सारी खुशियां दे। लाई लाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शक्ल से तो वैसे ठीक ही लग रहा है। तकी, क्या हुआ तकी? ये मेंढक जैसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? इसमें तो इतना नमक है, तुम्हें ऑमलेट बनाना भी नहीं आता शिफा। नमक ज्यादा डल गया। सॉरी। तुम एक काम करो, तुम मत खाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, अब बन गया है तो मैं खा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? हाँ वो अपना फोन देना, मैं सबीन भाभी को कॉल कर लूँ ताकि वो रजी भाई को बता दे। कल तुम्हारे सामने मेरा फोन पानी में गिर गया था, पेमेंट्स क्लियर होंगी तो नया फोन लूंगा ना। लेकिन तकी अभी तो तुम फोन सुन। तकी, अगर तुमने मुझसे नाश्ता बनवाना था तो साफ कह देते कि ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। एक्सक्यूज मी, आपने कोई एहसान नहीं किया ना, मैंने आपको कहा, आपने खुद बनाया अपनी मर्जी से। एक तो कहे बगैर तुम्हारे लिए मैं नाश्ता बनाऊं, ऊपर से तुम मेरा एहसान भी नहीं मान रहे हो, अकड़ दिखा रहे हो। शिफा मैडम, ये एहसान मंदी का कौन सा जमाना है? इंसान जो कुछ भी करता है अपनी जमीन की आवाज से मजबूर होकर करता है। ऐसी बात है तो ठीक है, अब जब तक हम लोग साथ रहेंगे एक दूसरे के लिए कोई काम नहीं करेंगे। और
हर काम बराबरी की बुनियाद पे होगा। एक दिन मैं घर साफ करूंगी, फिर एक दिन तुम, एक दिन मैं खाना बनाऊंगी, फिर एक दिन तुम बनाओगे। मंजूर है? बिल्कुल नहीं। घर गंदा हो या साफ हो, तुम साफ करो या ना करो, मैं कोई काम नहीं करूंगा। और जहां तक है खाने की बात, तो अपनी दो रोटियां बाहर से ले आऊंगा। दो रोटियों के लिए तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बढ़िया है, काम तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे लॉर्ड साहब। जानती नहीं अभी मिस्टर तकी को। भाई वाह माँ, ये टीवी वाला काम आपने कमाल किया है। पहले तो घर में दो तीन घंटे नहीं गुजरते थे। अब कम से कम कोई एक्टिविटी तो होगी ना। बस तुम्हें तो अपनी फिक्र पड़ी रहती है, और वो बेचारी जो सारा दिन घर में बैठी रहती है, उसकी भी कोई फिक्र है? उसकी फिक्र करने के लिए आप जो हैं। तुम भूल रहे हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आप भूल रही हैं, ये जिम्मेदारी मैंने कोई शौक से नहीं ली। लेकिन अब जो कुछ भी है, ये जिम्मेदारी तो तुम्हें निभानी है ना। तो निभा तो रहा हूँ, जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ अम्मा, और क्या करूँ। ये तुम्हारा घर है, किचन की हालत देखी है तुमने? ये शिफा मैडम जरा ख्याल नहीं रखती किचन का। शिफा का नाम मत लेना, इसका सलीका देखा है मैंने। अरे मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? लो भाई, इनमें भी लोधी साहब की रूह आ गई है। बको मत, तुमसे इतना नहीं होता कि घर में कुछ राशन डलवा दो? बेचारी बच्ची को खाने पीने की तंगी है। और जो आप भर भर के डोंगे भिजवाती हैं, सारे का सारा यही तो खाती है। मैंने तो आज तक एक निवाला नहीं चखा। बेटे मैं तुम्हारी माँ हूँ, जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। लोग तो जीने के लिए खाते हैं, और तुम खाने के लिए जिंदा हो। जो कुछ भी आता होगा तुम खुद ही खा लेते होगे। इस बेचारी को तो कुछ भी नहीं मिलता होगा। मुझे तो पहले ही शक था कि मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, सगा नहीं हूँ। कहीं सड़क पे से उठाया ना मुझे। और तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। खबरदार जो तुमने शिफा बेटी को कुछ कहा। अरे छोड़े अम्मी। एक्सक्यूज मी, ये मेरी अम्मी है। मैंने ही इसे कहा है अम्मी कहने के लिए। शिफा बेटा तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, हम मार्केट चलते हैं राशन लेने के लिए। जी। अम्मा कहाँ हैं? हाँ वो सबीन का फोन आया था, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, तो इस तरह से वो चली गई। तो इसका मतलब है कि चाय खुद बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। अब वो मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, जाना इम्पोर्टेंट है, तो तुम रह लोगी अकेले? हाँ रह लूंगी, तुम 12 बजे तक तो आ जाओगे ना वापस? आ जाऊंगा। अब क्या हुआ? ये चिपचिपा सा। ओ हाँ वो मैं और अम्मी सामान लेके आए थे ना, उनके हाथ से ऑयल गिर गया। अब तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे ऑयल गिर गया था तो साफ नहीं करना था? मैं क्यों साफ करती मैडम, गंदगी साफ नहीं करते क्या? अच्छा लेकिन आपने ही तो कहा था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता गंदगी से। मेरा ख्याल है तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि सफाई सुथराई कितनी इम्पोर्टेंट होती है जिंदगी में। मैं 4 दिन से हर काम कर रही हूँ, आज से सब बारी के हिसाब से होगा। ओके वहाँ वॉशिंग पाउडर और झाड़ू पड़ा हुआ, काम पे लग जाओ। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। और हाँ अब जब तुम सफाई कर लो तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी। तुम्हारी कोनी पर बहुत गहरी चोट आई है ना? जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अगर मैं इस टूटी कोनी के साथ ये सब कुछ साफ कर सकता हूँ तो चाय भी बना सकता हूँ। तुम्हारी मर्जी, वरना मैं बना देती हूँ। क्यों चली गई इतनी जल्दी?
special eBay this Eid. Shop groceries worth of rupees 3,000 and get Khadi gift card worth rupees 500 for free. Hum Mart kare life aasan. मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया, अब तुमसे वाबस्ता एक एक चीज को इस घर से निकालूंगी शिफा। समायर तुम रेडी हो तो चलें। तुम्हें ड्रॉप करने के बाद मुझे एक जरूरी काम है। जी अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? मैं सोच रही थी हदिया भी बड़ी हो रही है, उसको भी अपना कमरा चाहिए होगा। तुमने शिफा की तस्वीर क्यों हटा दी? हदिया की लगाई है। हदिया की तस्वीर यहाँ लगी तो हुई है, किसी दूसरी वॉल पे लगा देती। लेकिन उमेर, लेकिन कुछ नहीं समायर, तुम्हें यहाँ हदिया का सामान रखना है तो रख लो, लेकिन इस कमरे की एक भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड। नीचे आ जाओ, मैं कार में वेट कर रहा हूं। आप नहीं जानती मामा, उमेर बहुत बदल गया। मुझे लग रहा था कि वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसका रवैया तो दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा है। थोड़ा सबर करना सीखो समाहिर, हर बात में शिकायतें शुरू मत कर दिया करो। शिफा के साथ जो कुछ भी हुआ कोई छोटी बात नहीं है। कुछ वक्त लगेगा उमेर को नॉर्मल होने में बेटा। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मामा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उमेर हर वक्त चुप रहता है, बात कर लो तो जवाब दे देता है, वरना तीन तीन रोज खामोशी में गुजार देता। मैंने तो ऑफिस से आकर हदिया के साथ खेल लिया करता था, अब तो वो भी नहीं करता। मैं मानती हूँ कि उसकी बहन पर बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है, लेकिन उमेर के दूसरे रिश्ते भी तो हैं। मेरे लिए ना सही, लेकिन हदिया के लिए तो अपना बिहेवियर बेहतर कर सकता है। उसे कुछ वक्त दो समाहिर, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मामा, एक कमरा खाली करने पर इतना हार्श रिएक्शन दिया, आगे जाके और पता नहीं क्या करेगा। आप अब्बा के घर गई थी? आप जानती हैं तकी और शिफा को उन्होंने रखा। अब वो दोनों भाई साहब क्या रहें या कहीं भी रहें, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने जो करना था वो कर लिया। फर्क क्यों नहीं पड़ता मामा? मेरी जिंदगी में जहर घोलकर वहाँ दोनों सुकून से रह रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बेटा किसी हाल में तो पुरसुकून रहना सीखो। तुमने अपने इर्द गिर्द खुद ही आग लगाई हुई है, उसमें खुद भी जल रही हो और दूसरों को भी जलाने पे तुली हुई हो। आप दुनिया की वाहिद माँ है जिसको अपनी बेटी गलत लगती। मैं हक पर हूँ और ये बात आप भी जानती हैं और मुझे भी पता है। जो इंसान हक पर होता है ना बेटा, वो पुरसुकून जरूर रहता है, और मैंने तुम्हें कभी सुकून में नहीं देखा। समायर, सुषमा, मेरा भाई कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मेरा भाई कहाँ है? तुझे क्या पता? झूठ मत बोलो। दो हफ्ते से मेरा भाई पता नहीं कहाँ पर है, और वो लास्ट टाइम मुझे यही कह के गया था कि वो तुम्हारे से मिलने के लिए जा रहा है। कैसी बातें कर रही हो, वो मुझसे क्यों मिलेगा? और लास्ट टाइम जब मैं उससे मिली थी तो तुम साथ तो थी? ये झूठी सच्ची बातें ना तुम अपने शौहर से जाके करना, वो ही यकीन करेगा। मैं नहीं कर सकती। मेरे मासूम भाई को अपनी अदाओं में फंसा कर इतना पागल किया कि किसी भी लड़की की जिंदगी तबाह करने पर तैयार हो गया? रश्मा तुम गलत बात कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो खुद शिफा के पीछे पड़ा था, समझी? शिफा तो जैसे हूर है ना, जो रुहेल उसके पीछे पड़ गया है, और वो भी उस टाइम जब उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तो किस तरह की बेहूदा बातें कर रही हो? मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मेरा भाई ही पागल है जो तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में आ गया। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ क्योंकि मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है, लेकिन मैं कुछ दिनों बाद आऊंगी,
और अगर मेरे बाप इस थाने तक रोहेल नहीं मिला ना तो मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाऊंगी, तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। सो बेहतर इसी में कि रोहेल का पता करवाओ, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, वाओ लगती है। अब आ गए क्या बात है, परेशान लग रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ताना ये शादी तो अलग बात है, वरना तुम्हें देख के ही पता लग रहा है तुम परेशान। नहीं अमर, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो तुमसे ही शेयर करती। अच्छा फिर खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है, तब तक चेंज कर लो। ओके। अब मैं क्या करूंगी, ये बात तो मैं उमेर को भी नहीं बता सकती। रोहिल गायब कैसे हो गया? पिस्तौल चला लो। वो कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम डरती बहुत हो, हर बात में बस डरती रहना। तुम चलो। क्या हुआ, रो क्यों गई? बेल बजाओ ना। मैं सोच रही थी कि तुम मेरे भाई से कब बात करोगे, काफी दिन हो गए ना। हाँ यार I'm sorry, मैं इतना बिजी था। आज बात करता हूँ समीर से कि रोहिल को लेके आए और रोहिल सब कुछ सच मेरे भाई के सामने बताए, तुम्हारा मामला यूं सही हो जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि रोहिल सब कुछ सच बताएगा? उसके तो अच्छे भी सच बोलेंगे, एक दफा मेरे हाथ तो आने दो। और सुनो, ये तुम मेरे लिए इतना तैयार ना हो करो, क्योंकि तुम तैयार होके भी वैसे ही लगती हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे लिए तैयार होने का, समझ आई? वो तो अम्मी और सबीन मुझे फोर्स करती हैं तो मैं हो जाती हूँ। अब जाऊं? प्लीज। जूम में बातों में लगा। अब जाओ भी। जा रही हूँ। अरे शिफा। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। और क्या कहा फिर आंटी? कितनी बार कहा है तुम्हें कि आंटी नहीं अम्मी कहा करो। I'm sorry, आइंदा नहीं कहूंगी। पर ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने, ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहनती? वो सुबह जल्दी जल्दी निकलना होता है ना, फिर तक ही ने शोर मचाया रखा होता है, इसलिए याद ही नहीं रहता। और वैसे भी वो सारे कपड़े तो बहुत फैंसी है, पहनती हूँ तो तक ही मजाक उड़ाता। अच्छा ठीक है, लेती हूँ क्लास आज मैं तकीफी। मेरी बेटी तैयार होकर इतनी प्यारी लगती है, और वैसे भी बेटा शादीशुदा लड़कियाँ ओढ़ने पहनने से ही पहचानी जाती हैं, बनना संवरना अच्छा लगता। अच्छा ना, कल मैं एक बहुत अच्छा सा फैंसी ड्रेस पहनूंगी। ठीक है ठीक है। मुझे बताइए आप क्या कर रही हैं? अरे बेटा आज सफाई वाली नहीं आई, सभी झुक नहीं सकती, तकीके अब्बा के गुस्से के डर से मैंने सोचा मैं खुद ही सफाई कर लूं। अरे अम्मी अब मैं आ गई हूँ ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा, तुम कैसे, तुमने तो अभी मीठे में भी हाथ नहीं डाला। अरे अम्मी मीठे पीके के तकल्लुफ में पड़ने की क्या जरूरत है, और वैसे भी हमारी शादी तो नॉर्मल तरीके से नहीं हुई ना, तो फिर जरूरी थोड़ी क्या हर रस्म करें। जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, मगर मैं तो अपने शौक पूरे करूंगी ना। अच्छा बाबा जैसे आपकी मर्जी, जब दिल चाहे मीठा बनवा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे ये काम करने दे। देखिए अगर आप ये काम करेंगी ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बेटा जैसे तुम्हारी खुशी। ठीक है जब तक तुम ये काम करो तब तक मैं पकौड़े बनाती हूँ, आज मौसम भी अच्छा हो रहा है और कल से सबीन की फरमाइश भी है। अम्मी इसको अंदर ले जाएं प्लीज। थैंक यू।
अम्मी वो मैं कह रही थी कि चाय बना देंगे मेरे लिए? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। थैंक यू। और ये देखो बेटा, ये तकी की तस्वीर है जब ये 5.5 साल का था। उफ, इतना शरारती था कि तुम्हें क्या बताऊं। मुझे अंदाजा है, अभी इतना तंग करता तो बचपन में क्या करता होगा। मत पूछो। अच्छा ये कौन है? ये समाहिर है। 2.5 साल की थी उस वक्त, सीढ़ियों से गिर गई, होंठ फट गया इसका, रो रो कर बुरा हाल कर लिया और उन्होंने तस्वीर खींच ली इसकी। शिफा क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी। देखो बेटा, तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो, समाहिर भी मेरी बेटी। उस रोज जितनी बदनामी होनी थी हो गई, अब उमेर को समाहिर की सच्चाई बताकर उसकी नजरों में गिराने का क्या फायदा? अब तुम एक एक बंदे को पकड़कर ये तो नहीं बता सकती ना कि तुम बेकसूर थी, उस रोज तुम पर गलत उंगली उठाई गई। मुझे समझ नहीं आ रही अम्मी, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम उमेर को समाहिर की सच्चाई बताने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जल्दी करो, शुक्र करो कि जो बाइक है घर के करीब आके खराब हुई है। और शिफा तुम्हारा मेकअप वेकअप तो ठीक है ना? अभी इतनी डस्ट से कहीं खराब तो नहीं हुआ? इधर आओ, इधर इधर आओ। हाँ, इतनी डार्क लिपस्टिक, लेकिन भाई ये भी बिल्कुल कायम दायम है, बिल्कुल सही है। अच्छा मैं तुम्हें ना मजे की बात बताता हूँ तुम्हें। हमारे घर के पास ना जब हम छोटे होते थे एक बेकरी होती थी, तो हर ईद पे त्यौहार पे वो क्या करते थे कि बेकरी को छोटी छोटी झंडियों से लाइट से सजा देते थे, और सजने के बाद वो बेकरी अट्रैक्टिव कम और फनी ज्यादा लगती थी। लेकिन सॉरी यार, पता नहीं अम्मा तुम्हें क्यों इतना मेकअप करवा देती हैं, जब भी मैं तुम्हें मेकअप में देखता हूँ ना तो वो बेकरी याद आ जाती है। सॉरी। क्या हुआ? अरे शिफा उदास बेकरी। तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो, समाहिर भी मेरी बेटी। उस रोज जितनी बदनामी होनी थी हो गई, अब उमेर को समाहिर की सच्चाई बताकर उसकी नजरों में गिराने का क्या फायदा? मैं चाहती हूँ कि तुम उमेर को समाहिर की सच्चाई बताने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। उमेर को समाहिर की सच्चाई बताने का ख्याल मैं चाहती हूँ निकाल दो, दिल से निकाल दो। बात करनी है तुमसे, बाहर आओ प्लीज। ताकि मैं, मेरी तबीयत खराब है प्लीज, अभी नहीं। शिफा आ जाओ ना प्लीज, मैं वेट कर रहा
अरे इतनी देर लगा दी तुमने। अच्छा नहीं वैसे एक कॉफी बनाई है मैंने अपने हाथ से, ये लो पियो। ऐसी कॉफी तुमने पूरी जिंदगी में नहीं पी होगी। रोहिल का कुछ पता चला? उसका तो उसी दिन ही पता लगा लिया था जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि बताने का कोई फायदा नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस दिन से वो वाकया हुआ है पता नहीं कहाँ गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। इवन कि उसकी बहन को भी नहीं पता उसका। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है शिफा, समझ नहीं आ रहा। इतना तलाश किया उसे, इतना ढूंढा, हर एक से पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं है। समझ नहीं आ रही कि उसका आसमान निकल गया है या जमीन खा गई। शिफा तुम वो तो नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं याद कि मेरे अम्मी अबू का कब इंतकाल हुआ। जब से होश संभाला है तो उमेर भाई को अपने माँ बाप बने देखा। एक बार स्कूल में मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया था। टीचर ने मेरी उमेर भाई को शिकायत लगाई और कहा कि मैंने उसे धक्का दिया था। तुम्हें पता है तक कि उमेर भाई ने मानने से इनकार कर दिया। मुझे आज भी याद है कि उमेर भाई ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी शिफा पे पूरा भरोसा है। वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती। मैं आज भी तो वही शिफा हूं ना। तो फिर उमेर भाई ने मेरी बात का क्यों नहीं यकीन किया इस बार? क्यों नहीं इन लोगों के मुंह बंद करवा दिए ये कह के कि मैं उनकी शिफा? और उनकी शिफा कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। फिर उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं सारी दुनिया के सामने उनको चुका सकती हूँ? शिफा इसे रो तो नहीं प्लीज, संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। तुम अच्छा चलो अपने आंसू साफ करो प्लीज, ये आंसू साफ करो अभी। और ऐसी बात नहीं है कि उमेर भाई को तुम पे भरोसा नहीं, उन्हें बिल्कुल भरोसा है तुम पे यार। ये तुम कैसे कह सकते हो? शिफा हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, और तुम्हारे साथ जो वाकया हुआ था वो किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग खराब करने के लिए काफी था, और उमेर भाई भी एक नॉर्मल इंसान ही है। देखो शिफा जितना मैंने अभी तक उनको जाना है समझा है, उमेर भाई भी उस दिन अपने असाब पे काबू नहीं रख सके थे, और उसके बावजूद उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा कि ये मुनासिब समझा कि तुम्हारा निकाह कर दिया जाए, तुम्हें इज्जत से रुखसत कर दिया जाए ताकि तुम उस माहौल से, वहाँ के लोगों से, उस इलाके से दूर चले जाओ। तुम ठीक रहो, इससे ज़्यादा तुम्हारी मोहब्बत में और क्या करते। हाँ ये बात भी सच है कि उस दिन वो कुछ नहीं बोले, प्रेशर में आ गए, लेकिन हालात तुम्हारे सामने थे शिफा। I'm sure तुम थोड़ा वक्त तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी।
पता नहीं कितना वक्त लगेगा। बहुत थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। तकी, वो मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब रोहिल का कब पता चलेगा, लग रहे जल्दी खबर मिल जाए उसकी। लेकिन तुम एक काम करो, तुम ना मेरी महक से बात करवा दो, कम से कम उसकी गलत फहमी तो दूर हो। ठीक है। अच्छा मैडम, अभी कॉफी ठंडी हो रही है, इसे पी लें। और एक बात, मैं अपनी बनाई हुई कॉफी किसी से शेयर नहीं करता, तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ तो थैंक यू बोलो मुझे। ये क्या चीज़ है? कॉफी है। इतनी बदजायका, बल्कि बदजायका भी गलत लफ्ज है, ये तो कुछ अजीब सी चीज है। ऐसा लग रहा है कीचड़ में चीनी मिला के दे दी मुझे। मैंने पहले ही कहा था मैं खुद बनाता हूँ और खुद पीता हूँ। इधर लाओ कॉफी। अच्छा करते हो, प्लीज किसी को बुलाने का रिस्क भी मत लेना, मैंने मुंह का जायका खराब कर दिया। बहुत ही नखरे हैं इसके भाई। ये मेरी चोटी में। ठीक तो है। शिफा, अब मैं तो समझी थी कि तकी एक आध दिन के लिए जा रहा है, मगर वो तो एक हफ्ते के लिए जा रहा है पेशावर। तुम मेरे साथ चलो। अरे नहीं अम्मी, मैं यहाँ रह लूंगी, वैसे भी क्या मैं यहाँ से वहां आती जाती रहूंगी। बेटा तुम्हें अकेले यहाँ दिक्कत होगी, और मैं भी तो यहाँ आकर नहीं रह सकती। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं मैनेज कर लूंगी। शिफा बेटा, तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पता नहीं उस दिन मैंने क्या क्या कह दिया। अम्मी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने कहा ना बेटा कि मैं शर्मिंदा हूँ। दरअसल बेटा, समाही को मैंने माँ बनकर पाला है, वो अपनी माँ से ज्यादा मेरे हाथों में रही है, इसलिए उसके घर के उजड़ने का सोचकर मेरा दिल दहल गया था। अगर तुम भी तो किसी की बेटी हो, उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया तो उसे माफी देना बड़ा मुश्किल है, मगर जो कुछ उसने बोया वो तो वो काटेगी। बेटा अगर हो सके तो मेरे अल्फाज को भुला देना, हमेशा खुश हो। परेशान मत हो, ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी कि सुमायर भाभी का घर खराब हो। और वैसे भी जब तक रोहेल का नहीं पता चलता तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि उमेर भाई की नाराजगी दूर हो जाए, और कुछ नहीं। समायर के पीछे अपना वक्त मत बर्बाद करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, अब मुंह छुपा कर बैठे रहो। मुंह छुपा के नहीं बैठा हूं, और ना ही मैं बोल सकता हूं कि बात तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो और मैं भी। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर चुप कर क्यों बैठे हुए हो? तो
तुम्हारी वजह से मुझे कितने झूठ बोलने पड़े। सारी जिंदगी मैंने इतने झूठ नहीं बोले। पहले वो तकी आ गया इंक्वायरी करने, फिर तुम्हारे कहने पर समायर के पास जाके मुझे कितना ड्रामा करना पड़ा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुम इतने बहादुर हो तो फिर गायब क्यों हो गए थे? फेस करते ना सब कुछ। कितना बोलती हो तुम यार, अगर थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगी ना तो मेरा प्लान सुन लो। प्लीज रोहेल, मुझे ये टॉन्ट करना बंद करो। मैं तुम्हारे स्टूपिड प्लान से तंग आ गई हूँ, मुझे और परेशान मत करो। देखो, अगर तुम मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दोगे ना तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। तो वैसे भी मैं अब इस मामले को ज्यादा लटकाने वाला नहीं हूँ। बहुत नींद हराम कर ली है मैंने समाहर के पीछे, अब तो उसकी नींद हराम करने की बारी है। अब प्लान सुनो।